सवाल बिजनेस डेवलपमेंट सेल का है और मैंने बहुत सारे प्रांतों में मैं घूमा, छोटे छोटे जगह पे घूमा। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे बहुत सारे साथी सब दुकानदार लोग हैं, ट्रेडर्स है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में दे डोंट टर्न आउट, और जब रीजन पूछा जाता है तो बोलते कि सब दुकान में कोई रिलीवर नहीं है। तो एक बात मेरे जहन में आती है कि अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स वी शुड ऑल्सो गो द डिजिटल वे, कि जहां पे हम बहुत सारा डिजिटल कंटेंट हम लोग डेवलप करें ताकि हर एक छोटा से छोटा व्यापारी कि अपने समय पर अपने जगह पर बहुत सारी नई चीजों को वो सीख सकें। और आज डिजिटल कंटेंट के माध्यम से हम जो समाज के बहुत अच्छे लोग जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं उनके साथ हम रूबरू करा सकते हैं। तो इस दिशा में इनफैक्ट काफी सारा मंथन हो रहा है प्रफुल्ल जी के साथ में, राकेश जी के साथ में, और इस दिशा में हम लोग बहुत सारा काम करना चाहेंगे। नंबर वन। नंबर टू, कि कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, कि हम में से सभी को साथ में आना पड़ेगा, एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे इनफैक्ट राकेश जी ने बोला कि सब अगला जनरेशन हमारे बिजनेस में नहीं आना चाहता, बिकॉज दिस जनरेशन वॉन्ट स्केल, दिस जनरेशन वॉन्ट स्पीड, एंड दिस इज समथिंग दैट दे आर नॉट एबल टू सी। तो एक प्रोजेक्ट पे मैं काफी सारा डेलिब्रेट कर रहा हूं जहां जहां पे जा रहा हूं कि क्यों नहीं हमारे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें। और बहुत सारे लोग रिटेल से इनफैक्ट कनेक्टेड है, किराना बिजनेस से कनेक्टेड है, टेक्सटाइल बिजनेस से कनेक्टेड है, यू नो, और बहुत सारे रिटेल बिजनेस से कनेक्टेड है। तो व्हाई नॉट वी रियली बिल्ड सम कॉमन ब्रांड्स, समथिंग ऑफ द स्केल ऑफ यू नो बिग बाजार्स एंड डी मार्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, कि जहां पे हम बहुत सारे अगले जनरेशन के टैलेंट को हम साथ में लेके आ सकते हैं, और एक सिंगल ब्रांड से वी कैन रियली रियली क्रिएट मैसिव वेल्थ फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। बस इतना ही कहूंगा कि आज स्कूलिंग में छठी कक्षा से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए टू प्रिपेयर पीपल फॉर आईआईटी, टू पीपल प्रिपेयर फॉर नीट, पर आज तक मैंने भारत में एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं देखा जो छठी कक्षा से विश्वव्यापी विश्व स्तरीय बिजनेसेस को बिल्ड करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डेडिकेटेड काम करे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं श्री चैनराज जी से और अपने फेडरेशन ऑफ जैन स्कूल से ये इनफैक्ट गुजारिश करूंगा कि इस दिशा में हमको बहुत सारा काम करना चाहिए कि पांचवी छठी कक्षा के बच्चे, जो 12-13 साल के बच्चे, जहां पे वो सीडिंग हम कर सकते हैं और वहां से हम अगले 15 साल तक उनके अंदर बहुत सारा पानी हम लोग डाल सकते हैं, बहुत सारा खाद डाल सकते हैं। तो विश्व स्तरीय विश्वव्यापी बिजनेसेस को बिल्ड करने की दिशा में बीज डालते हुए निरंतर उसको नर्चर करने की जरूरत है स्कूलों में, और इस दिशा में मैं पर्सनली इनफैक्ट उनमें योगदान करना चाहूंगा, और इनफैक्ट फेडरेशन ऑफ जैन स्कूल्स में मतलब इनफैक्ट उनमें जो भी मतलब आप चाहे मतलब ये इनफैक्ट मेरा पर्सनल इनफैक्ट दिल के करीब विषय है, तो इस दिशा में काफी सारा काम करना चाहूंगा। और समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें करनी है, पर आज के लिए मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी गोलिया को, जो न्यूयॉर्क से पधारे हैं हमारे बीच में। मैं उन्हें यहां आमंत्रित करूं, उसके पहले सुनील जी गोलिया का हम मोमेंटो से सत्कार करना चाहते हैं। मोमेंटो प्लीज। और नंदकिशोर जी, आपसे निवेदन है कि सुनील जी का मोमेंटो से भी सत्कार करें। पंचरंगी से तो किया ही आपने, मोमेंटो से भी सत्कार करें। अरे वैसे तो ट्री की जरूरत नहीं रहती है। सुनील जी प्लीज।
जय जी नंदर। आज के भाषण में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मैं सबसे यंग बीजेएस का कार्यकर्ता हूं, एक महीने पहले मैं जुड़ा हूं। मैं पिछले दो दिन से सबको सुन रहा हूं और मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। दो चीजों के ऊपर मैं आप सबका फोकस चाहूंगा। पहली चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो सबसे पावरफुल टूल और टेक्निक है। ये जितने भी हम बीजेएस में काम हो रहे हैं और हम काम करने जाएंगे आगे, इन सबको सोशल मीडिया के थ्रू आप इजीली और पूरा ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा, मैं राकेश जी को सुन रहा था कि नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक पार्ट बाकी रह गया, न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन को ऐड नहीं करेंगे, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हम कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो वेलफेयर हो चाहे बिजनेस हो। तो न्यूट्रिशन और फिटनेस हमारे एक चैप्टर जुड़ने चाहिए ताकि हम सबको एजुकेट कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैन साधु साधु को देखता हूं, देखते ही मुझे पता लग जाता है कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आज तक कभी भी कोई मरा साहब गोश्ती लेने जाते हैं, कोई भी आदमी वयावच में अपने घर पे सीड्स नहीं रखता है। वो साहब को खाखरा बहरा देगा, दूध डाल देगा, वो कुछ भी डाल देगा, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में हमको एजुकेट करना है ताकि जैन साधु का भी हम ध्यान रख सकें, हमारे वर्कर्स का भी ध्यान रख सकें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुबई से राकेश भाई ने बताया कि 5,000 दुबई में जैन रहते हैं, घर देरासर है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, नियोक अकेले में इटसेल्फ अपने आप में कम से कम 7,000 से 8,000 जैन हैं। और अभी हाल ही में समेत सीकर जी बनाया 1,200 एकड़ में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, थोड़े दिनों में आप देखोगे सब जगह आपको मंदिर मिलेंगे, जैन भाई मिलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और उनके माध्यम से आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। और बिजनेस जो चेंज हो रहा है, बिजनेस जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं आपको एक दो छोटे किस्से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बैंक लूंगा। यूएस भंसाली साहब भी बैंक में डायरेक्टर है। यूएस में बैंकें कम हो रही है, बैंकें बंद हो रही है, और स्टाफ जो था, जैसे 10 का स्टाफ था, दे लिमिटेड अप टू 2। उसका कारण क्या है कि आप बैंक जाते हैं 3 चीजों के लिए, पैसे जमा कराने के लिए, पैसे निकालने के लिए, और तीसरा लोन के लिए। लोन इंटरनेट के ऊपर आप अपने आधार कार्ड, जो हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी होता है, उसके नंबर डालिए और आपको 1 सेकंड में, विद इन मे बी 5 सेकंड और 30 सेकंड, यस और नो, और यस के साथ आ जाता है कि कितना आपको लोन मिलेगा। तो जब ये तीनों चीजें इंटरनेट के हो, और ATM सब जगह होते हैं, जनरली हम लोग कैश नहीं रखते, और अगर आपको पैसा जमा कराना, आपके सेलफोन के ऊपर एक ऐप होता है, चेक की ईमेल ले लीजिए, विद इन ए सेकंड आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, और उस चेक को या तो आप वॉइड कर दीजिए या फाड़ दीजिए, एज ए रिसीट रख लीजिए। तो बैंकें जो है वो बैंकों में पूरा इतना बड़ा चेंजेज आ रहा है। तो जब आप बिजनेस की बात करते हैं, तो जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं बिजनेस में, उसके साथ अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। छोटा सा एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। अमेरिकन एयरलाइंस, जिसके 44,000 छोटे बड़े फ्लीट्स में प्लेन्स हैं, छोटे प्लेन बड़े प्लेन, उनका एक छोटा ऑफिस था डालस में, जहां 4,000 आदमी काम करते थे, और उसकी लीज जो थी वो 1 जुलाई को रिन्यू होने वाली थी। तो 1 जनवरी को उसके लैंडलॉर्ड ने उनसे कहा कि भी हम आपकी लीज रिन्यू करना चाहते हैं 1 जुलाई को, लेट्स सिट डाउन टुगेदर और हम आपको 5% इंक्रीज करेंगे लीज का अमाउंट, रेंट अमाउंट। अमेरिकन एयरलाइंस के CFO ने केवल यही कहा कि नहीं सर, हम 5% नहीं, हम 50% डिक्रीज चाहते हैं। लैंडलॉर्ड समझ नहीं पाया ये क्या कह रहा है, उसने वापस पूछा, उसने कहा कि नहीं हमको 50% रेंट कम करना है। उसने कहा नहीं नहीं हम तो 5% बढ़ा रहे हैं। उसने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। उसने 4,000 जो एम्प्लॉय थे, 4,000 एम्प्लॉय को घर पे टर्मिनल दे दिए, सेबर बेस्ड सिस्टम दे दिया कि आप घर से काम कीजिए। सब एम्प्लॉय खुश, क्योंकि किसी को गाड़ी नहीं चलानी पड़ती, बेबी सीटिंग का पैसा नहीं लगता, हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, नो हेडेक नो स्ट्रेस। तो जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो चेंजिंग सिनेरियो आ रहे हैं, उनके साथ अगर हम काम करेंगे, मैं आपको और भी कहना चाहूंगा कि हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, कोलंबिया है, पेस है, वहां कैप्सूल कोर्स होते हैं। जब अब बार बार पूछ रहे थे कि कौन लीडर बनना चाहता, काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, तो मैं मेरी तरफ से आपको पेशकश देना चाहता हूं, उसमें से कोई लीडर जिसको लगता है कि वो लोगों को लीड कर सकता है, राकेश जी के साथ काम करे। और एक जिन्हें को मैं कोलंबिया में मैं लॉजिंग और बोर्डिंग स्पॉन्सर करना चाहूंगा, जो भी आना चाहे, एक जिना आप राकेश जी से बात करो एंड आई विल मेक द अरेंजमेंट, और वो फिर सब लोगों को टीच करे, वो अपनी टीम तैयार करे और अपने लोगों को एजुकेट करे कि हम कैसे बिजनेस आगे कर सकते हैं। वो सही कहा आपने कि
कि कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं पढ़ाती, केवल कंपटीशन की तैयारी कराती, एजुकेशन की तैयारी कराती, वो उसकी टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती कि इसमें पोटेंशियल कितना है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, मैंने 3 साल बच्ची को देखा मद्रास में, मैंने देखते इसको कह दिया, मैंने कहा इसको मिस वर्ल्ड बनाना है, वो मेरे सामने देखने लगे सब जी ने कि आप क्या बात कर रहे हो अमेरिका साहब, मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर न्यूट्रिशन रखो और ब्यूटिशियन रखो और ये दोनों मिलकर 18 साल बाद इसको मिस वर्ल्ड बना सकते हैं। तो आपको जो टैलेंट है वो छोटे लेवल पे रिकॉग्नाइज करनी है, 5वें 6वें ग्रेड में जैसा बोला, उस समय आप तय करोगे जब कहीं जाके आपका आगे फ्यूचर बनेगा। थैंक यू सो मच, दिस इज माय प्लेजर, प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी हियर। और हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट मूता साहब और बिल गेट्स, वल्लभ साहब बंसाली, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। और ये बड़ी प्राउड की बात है कि हम लोग इनके निश्रा में हम आगे कुछ कर पाएंगे। और जो यहाँ क्राउड है, मैं नाम तो ज्यादा लोगों के नहीं जानता क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से हूँ, बहुत कम लोगों को जानता हूँ, बट इन सब के लिए मैं एक छोटा सा आपको इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा। न्यूयॉर्क में एक फैमिली है, रॉकफेलर फैमिली, वेरी ओल्ड फैमिली, वेरी आइकॉनिक फैमिली, वेरी बिलियनर फैमिली। उनकी मदर 78 ईयर ओल्ड, एक दिन अपने कमरे का पर्दा खराब हो गया था, पर्दा फट रहा था, उसने तय किया कि मैं जाके पर्दे को खरीदती हूँ। एक मॉल में गई, थैंक्सगिविंग का टाइम था, हॉलीडे का टाइम था, मॉल में पार्किंग नहीं थी, ऑल द वे लास्ट में करीबन आधा किलोमीटर बाद उसको पार्किंग मिली। उस लेडी ने, 78 ईयर ओल्ड लेडी ने, जो बिलियनर है, वो ड्राइवर अफोर्ड कर सकती 20, बट वो खुद ड्राइव कर रही थी, उसने गाड़ी पार्क की, कर्टेन के स्टोर में गई, वहां एक सेल्समैन देखा, उसको सेल्समैन मार्क था, उसको देखने के बाद उसने कहा कि मुझे कर्टन लेना है। उसने कर्टन दिखाए, 5-7-10 कर्टन दिखाए, उसको समझ में नहीं आया, बट उसने अपना कार्ड दे दिया सेल्समैन ने कि आप अगर वापस आना चाहो तो ये कर्टन मुझे ध्यान देंगे, इनकी स्टाइल एंड मैं आपको दे दूंगा। वो जैसे ही बाहर आई, बरसात बहुत तेज हो गई और जो मार्क था सेल्समैन, वो एक अनदर कस्टमर के साथ लग गया, बट उसने देखा 70 ईयर ओल्ड लेडी और बाहर आउटसाइड पार्किंग, और उसको पता था पार्क कहीं और किया होगा, बरसात आ रही है। उसने अम्ब्रेला निकाला अपने रूम से, लॉकर रूम से अम्ब्रेला निकाला और उसको बाहर एस्कॉर्ट किया। उसने कहा तुम मुझे एस्कॉर्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कस्टमर है, कमीशन चला जाएगा। तो उसने कहा नहीं, कमीशन चला जाएगा लेकिन मेरी माँ जो है वो पानी में भीग जाएगी। और उसने उसको आधा किलोमीटर उसको साथ एस्कॉर्ट करके उसको गाड़ी में छोड़ के आया। लेडी घर पे गई, रॉकफेलर फैमिली की मदर थी, बहुत बड़ी बात है रॉकफेलर फैमिली, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो। रात को जब खाने पे बैठी, ये जितने भी यूएस में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिच फैमिली जो होती है वो सब साथ में बैठते हैं, रात को जब खाना खाने बैठी तो अपने बड़े वाले बेटे जॉन था, 55 ईयर ओल्ड, उसको उसने सेल्समैन का कार्ड थ्रो किया और कहा कि दिस इज द गाय आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने 50 साल की एज में आज तक अभी नहीं कहा कि किसी का ध्यान रखना, ये पहली बार कार्ड फेंक रही मेरे सामने, ये आदमी बड़ा भीषण है। अगले दिन वो सुबह गया, उसने कर्टन कंपनी को कॉल किया, पुराने टाइम में कॉलर आईडी होती थी, कॉलर आईडी पे देखा मार्क रॉकफेलर, जो ओनर था कर्टन स्टोर का, वो खड़ा हो गया एज ए रेस्पेक्ट। उसने कहा सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसने कहा कि ये जो आदमी तुम्हारे पास काम करता है इसको मेरे घर पे लाना है और मेरे पास जॉब कराना है। तो उसने कहा कि सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने उस सेल्समैन से बात की, सेल्समैन रिफ्यूज्ड इट, उसने कहा नहीं मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, इस पर्दे की कंपनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। देन लड़के जॉन ने क्या किया, उसने उस पर्दे की कंपनी को परचेज कर लिया, उस कंपनी को परचेज कर लिया, उसको बोला कि नाउ व्हाट यू आर माय पेरोल एम्प्लॉय बट माय मदर लाइक्स यू, तो इसलिए तुम मेरे लिए काम करोगे। सी फाइनली डाइड 6-7 ईयर्स अगो एंड सी लेफ्ट $210 मिलियन फॉर दैट सेल्समैन। तो आप लोग जो काम कर रहे हो, हो सकता है अब किसी का, मुझे पता है आप अपने जेब के पैसे भी लगा रहे हो, इतना दूर आप टाइम छोड़ के आए हो, घर वालों को छोड़ के आए हो, बिजनेस छोड़ के आए हो, बट आप जो काम कर रहे हो बहुत काबिले तारीफ है और आप, मैं चाहूंगा कि आप ये काम करते रहें और हम सब साथ में जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। उसने कहा कि ये सेल्समैन को हमें दे दो, उनने कहा नहीं दे सकते, तो सेल्समैन को लेने के लिए क्या किया, पूरी कंपनी ले ली। इन्होंने कहा मैं एक दिन का कार्य करता हूं भारतीय जन संगठन का, कल आया हूं, और साथ ही साथ इनविटेशन दे दिया कि आप यूएस, राकेश जी यूएस लेकर आओ बंदों को, ताकि हम बिजनेस की बातें वहां करेंगे। एक दिन का कार्यकर्ता यह ऑफर करता है, इसको फोल्ड में लेना चाहिए। मैं मूथा साहब से बात कर रहा था, राजू भाई से बात कर रहा था,
भारतीय जैन संगठन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में हम आज डिक्लेयर करते हैं श्री संजीव जी जैन दुबई एंड श्री सुनील जी गोलिया न्यूयॉर्क, दे विल बी अवर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर भारतीय जैन संगठन. इज इट ओके सर? यस सर. थैंक यू सो मच. डायस के सब लोगों को धन्यवाद. नंदू भाई आपका काम मैं कर दे रहा हूं, धन्यवाद वाला. थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे बीच में श्री और श्रीमती अरुण जी जैन यहां उपस्थित हो चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत अरुण जी आपका, भाभी जी आपका. हमारे बीच में सुदीप भाई साहब उपस्थित हो चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत सुदीप जी आपका. अगला सत्र हमारा जो है वह है मूल्यवर्धन शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता. इट इज ए पैनल डिस्कशन. मूल्यवर्धन का यह पैनल डिस्कशन, और इसके लिए मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी मूथा, श्री वल्लभ जी भंसाली, श्री सुदीप जी जैन, श्री चैनराज जी जैन एंड श्री वी वेंकटरमन. प्लीज कम ऑन डायस. प्लीज सर. श्री अरुण जी जैन, श्री अरुण जी जैन, यस प्लीज, प्लीज ऑन डायस. मॉरल एजुकेशन से हम बच्चों का भविष्य बनाए. टाइम चेंज फॉर टाइम है परिवर्तन. यहां से थोड़ी सी जगह बनाइए संप्रति. प्लीज जगह बनाइए, थोड़ा सा जगह बनाइए. परिवार ही तो प्रगति का आधार. यस प्लीज, प्लीज सेटल डाउन, प्लीज सेटल डाउन. ये वाले सत्र के बाद हम ब्रेक लेंगे फॉर नेचुरल एक्टिविटी एंड चाय का ब्रेक. ये इंपॉर्टेंट सत्र है. सारे लोग मंचासीन हो चुके हैं. प्लीज सेटल डाउन. जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, खास तौर से मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूं, प्लीज सेटल डाउन. मित्रों, मूल्यवर्धन शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता, दिस इज ए पैनल डिस्कशन. और हम ये सत्र शुरू करवाएं उसके पहले इस मंच के ऊपर बैठे हमारे दो डिग्निटरीज का मैं स्वागत करना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं हमारे सब लोगों की ओर से. मैं निवेदन करूंगा श्री वेंकटरमन से कि वे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस विद द मोमेंटो प्लीज वेलकम श्री अरुण जी जैन. नई पीढ़ी और नई सोच से बिजनेस को बढ़ाए, बिजनेस को बढ़ाए. मैं निवेदन करता हूं कर्नाटका के राज्य अध्यक्ष श्री दिनेश पार्लेचा जी से कि वे स्वागत करें, सम्मान करें मोमेंटो देकर श्री सुदीप जी जैन. ट्रेनिंग से श्री सुदीप जी जैन आईएएस ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन में आप सेवाएं दे रहे हैं नई दिल्ली में. विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आज ही सुबह अभी सीधे एयरपोर्ट से भी आ रहे हमारे बीच में. एक नया चेंज हम लाए, टाइम फॉर चेंज, चेंज फॉर टाइम है परिवर्तन.
जीवन है। हम ये पैनल डिस्कशन को शुरू करवाएं उसके पहले एक 6-7 मिनट की एक फिल्म है रिलेटेड टू मूल्यवर्धन। मैं चाहता हूं कि फिल्म डिस्प्ले हो प्लीज, ए फिल्म ऑन मूल्यवर्धन। गंपू ने केले सब नचे फुगे, गंपू ने केले सब नचे फुगे, मोठे गेले पुढे आणि छोटे राहिले मागे, मोठे गेले पुढे आणि छोटे राहिले मागे। एक फुगा आजोबांच्या चष्म्यावर बसला, एक फुगा आजोबांच्या चष्म्यावर बसला, गंबडू बहुत सारी क्लिप्स हैं मूल्यवर्धन की, उसमें से वेंकट रमन चाहते कोई दूसरी क्लिप दिखवाना चाह रहे थे शायद आपको। या As the bell rings for school every morning, over 20 crore children in India jauntily stride into their classrooms. They are eager to acquire new skills, develop their capabilities and prosper in their own lives. While all of this happens, a prime objective of school education, apart from achieving holistic development of the children, is also to make them responsible citizens who would strive for the betterment of the society. It is with the intention to pursue this fundamental objective that Shantilal Mutha Foundation, a non-governmental organization from Pune, launched its flagship program, Moolyavardhan, for the schools in the country. Moolyavardhan has been designed to instill the values enshrined in the Constitution of India among the children in an age-appropriate and easy-to-understand manner. It has a graded curriculum starting from Standard 1, carefully designed to encourage a learner-centered, child-friendly and joyful class environment. This is made possible through cooperative learning in the form of paired discussions, group discussions and cooperative games. It promotes thinking and questioning skills among children, providing avenues for experiential learning. It emphasizes on stimulating the power of expression among children, developing their social emotional competencies for nurturing the values. The SCERT has been designated as nodal agency for implementing Moolyavardhan across the entire state of Maharashtra. This program has been reviewed by the Honorable Minister of Education as well as the Director, SCERT. And both have also observed the Moolyavardhan activities in action during their school visits. In just 3 years, from 2016 to 2018, the Moolyavardhan program has reached 40,000 government primary schools in 215 talukas across Maharashtra, benefiting around 22 lakh children through structured learning activities. Moolyavardhan would be reaching all the 67,000 government primary schools across Maharashtra by the end of the current academic year. A simplified rollout strategy has been the hallmark of Moolyavardhan. At every block, the master trainers of the Mutha Foundation train the respective cluster officers along with select teachers from each cluster within that block through an interactive experiential workshop. These teachers, in turn, become the master trainers for their own clusters after conducting Moolyavardhan activities in their own classrooms for a while. It is heartening to see how all these teachers have willingly accepted the ownership of Moolyavardhan and are striving to nurture constitutional values among the children. The feedback from over 25,000 teachers after they were trained in Moolyavardhan has been very, very encouraging. As per this feedback, there is a strong need reported for Moolyavardhan in the schools. The Moolyavardhan teaching learning material has also been mostly rated as being good or excellent, with very few reporting it as average. The pedagogy based on a learner-centered, constructivist approach used in the activities to nurture values has been felt to be extremely effective.
Mulyavardhan program is felt to be very useful for students and teachers. The overall feedback of the government primary teachers on the usefulness of Mulyavardhan is an indication that all of them have gladly accepted to implement Mulyavardhan in their schools. तिथे प्रशिक्षण घेऊन आम्ही शाळेमध्ये आलो आणि प्रत्यक्ष उपक्रम राबवायला सुरुवात केली. तर मुलांना या ट्रेनिंग प्रमाणे आम्ही मुलांना स्वतः विचार करायला प्रवृत्त करायला सुरुवात केली उपक्रमांमधून. आणि त्याचा फायदा असा झाला की मुलं प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वतः विचार करायला लागलेत, चांगलं वाईट हे मुलं ठरवायला लागलेत. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी शाळेचे नियम स्वतः मुलांनी तयार केलेत आणि त्याच्यामुळे आता शिस्तीसाठी आम्हाला जास्त ओरडावं लागत नाही. म्हणजे हा कार्यक्रम जर आज पासून 10 वर्षांपूर्वी आला असता, या गेल्या 10 वर्षात जेवढा सामाजिक मूल्यांचा ऱ्हास होत चाललेला आहे आणि आपण अतिशय भीषण या समस्यांचा सामना करत आहोत, सामोर जात आहोत, तर ती समस्या आपण त्या समस्यांना आपलं सामोर जावं असं लागलं आणि निश्चितच आपली जी ऱ्हास होत चाललाय सामाजिक मूल्यांचा तो ऱ्हास थांबला. The success of Mulyavardhan is not just based on the training feedback. Rather, it depends on how well the teachers have been able to translate the training into actual classroom practices. Your pencils are ready? Yes. Hold your hands. Oh, wait. There's a pencil fallen down. Wait. Pick up slowly. They almost reached. Yes. Very good. What did you learn from this game? Being with others. Very good. During the last academic year, an astounding 5,700 classroom observations were conducted collectively by the SCERT officials, the master trainers from Zilla Parishad and the team of the Mutha Foundation. For a program of such magnitude, conducting such large-scale observations was indeed a significant feat. The class observation results show that qualitative changes have been observed in over 50% of the schools across the entire state. As per the observations reported, teachers have begun demonstrating an understanding of Mulyavardhan and adopting student-friendly practices. The classroom environment is becoming more favorable for promoting self-awareness, self-management, and responsible student behavior. The classroom environment is also becoming non-discriminatory, inclusive, and promoting social awareness. Mulyavardhan exemplifies the effective use of technology for smooth program implementation. The Mulyavardhan app features the entire learning material and videos for use by the teachers. The availability of MBE learning modules greatly facilitates refresher training and the training of new teachers. Mulyavardhan has transcended the barriers of language and geographical boundaries. This program is being successfully implemented in the state of Goa since the last 2 years. Hence, the Mulyavardhan learning material is now available in English and Konkani. Mulyavardhan is giving children the wings to fly with their things in the mind. Some children were lacking behind. They used to never get a chance to come out and speak. But through Mulyavardhan, we are getting out the best out of children by playway method. आम्ही काही गोष्टी गव्हर्नमेंट एज वेल एज एडेड स्कूल इम्प्रूव्ह जाऊच्या वगैरे काही गोष्टी केल्या. एक मूल्यवर्धन व्हॅली एज्युकेशन हे आम्ही 17-18 रिपोर्टाक सांगतात. 781 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल आर कवर्ड अंडर मूल्यवर्धन. ताजो इम्प्रूवमेंट एकदम क्लासीक असा. हे मूल्यवर्धन इतकें बरें आहा की म्हाका दिसता प्रायव्हेट स्कुलांनी सुद्दां एडॉप्ट करपाक लागले, इन्क्लुडींग the Diocesan Society schools, primary schools. This program will also be made available to all the Urdu and English medium schools in Maharashtra by the end of this year. Recently, the Department of Education, Gujarat, also studied the Mulyavardhan program in Maharashtra and Goa in great detail. The Honorable Chief Minister of Gujarat has expressed his desire to implement Mulyavardhan in the state very soon, and hence the program literature is also being made available in Gujarati.
a sapling planted in 2009 in the Bid district of Maharashtra has now transformed into a full-grown blossoming tree. This program, which has steadily evolved through field trials, evaluations and years of experience behind it, has deservedly earned the support of the very renowned Tata Trusts. The Honorable Chief Minister of Maharashtra and the Honorable Union Minister HRD too are very optimistic about the scale-up of Mulyavardhan to other states. मूल्यवर्धन कार्यक्रम हा मूल्य शिक्षणाचा भारतातील सर्वात मोठा प्रयोग म्हणता येईल. आता 2 वर्षात हा प्रयोग संपूर्ण महाराष्ट्रात यशस्वी करून देशभरामध्ये सर्व ठिकाणी जाईल असा मला विश्वास वाटतो. वन इनोव्हेशन सक्सेसफुल ऍट वन स्कूल वी कॅन टेक अडॉप्ट अँड स्प्रेड इट टू मिलियन्स ऑफ स्कूल. दॅट इज द पॉवर ऑफ मल्टिप्लिकेशन. वी वॉन्ट ऑल सच गुड आयडियाज लाईक मूल्यवर्धन अँड अदर्स टू बी असेस्ड प्रॉपरली and to be taken on board in a format which is acceptable to everybody. Mulyavardhan, which has been so warmly accepted by schools, teachers and students alike, is all poised to scale greater heights and embrace newer territories. आज के इस सत्र के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय वल्लभ जी साहब बंसाली, खास चेन्नई से पधारे हुए हमारे मार्गदर्शक सहयोगी सहकारी पोलरीज इंडस्ट्रीज के श्री अरुण जी जैन, खास दिल्ली से यहाँ पधारे हुए जैन समाज की ये व्यक्ति जो इलेक्शन कमीशन में पूरे दिल्ली में एक तमिलनाडु के IAS कैडर की ऑफिसर, हमारे परम मित्र आदरणीय सुदीप जी जैन, बेंगलोर में जिनकी जैन इंटरनेशनल स्कूल करके काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे हमारे भाई चैनराज जी, हमारे समक्ष पधारे हुए आदरणीय जस्टिस जैन साहब, हमारे साथ अभी अभी पधारे हुए आदरणीय केसी जैन साहब जो इंडिया के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं. मैं आप सबका इस सत्र में स्वागत करता हूँ. हमने एक 8 मिनट की फिल्म में मूल्यवर्धन को आपके सामने रखने की कोशिश की. पहले तो मैं मूल्यवर्धन का डिजाइनिंग करने का निर्णय हमने क्यों लिया इसके ऊपर 1-2-3 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा. इस देश में 1.4 मिलियन स्कूल्स हैं, 14 लाख स्कूल्स हैं. 85% स्कूल्स ये गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं. हम लोगों को स्वातंत्र मिलके 70 साल हो रहे हैं, अभी तक गवर्नमेंट की जिला परिषद स्कूल्स में ड्रास्टिक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए हैं. हम लोगों ने 2003 में इस बात का निर्णय लिया कि हम किसी भी हालत में आने वाले 20-25 साल में पूरे देश के 14 लाख स्कूल में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का काम और साथ में वैल्यूज इनकलकेट करने का काम 100% करेंगे. भाइयों, ऐसा अगर कोई आदमी सपना देखता है कि हम 25 साल में इंडिया की सभी स्कूल की क्वालिटी बदल देंगे, जो हमारा डोमेन नहीं है, जो गवर्नमेंट का डोमेन है, जो हाईली एकेडमिक है, जो एक्सपर्ट लोग उसको ड्राइव करते हैं, जो टेक्निकलिटी पे आधारित है और उसमें वैल्यू का पार्ट आता है, इतने सारे स्टेट्स हैं, कितने बिलीव्स हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, कितने डाइवर्स उनके सोच हैं, कितने जाति धर्म हैं, उनके कितने एजेंडा है, तो ये सब चीज अगर सामने देखेंगे तो लगता है ये सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता है.
स्वाभाविक रूप से ऐसा ही लगेगा। पिछले 70 साल में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी राष्ट्रपति आए, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि इसमें बदलाव हो। हर एक चीफ मिनिस्टर चाहता है कि इसमें बदलाव हो। मैं 100% उस सब के सोच को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि बदलाव हो। आज वैल्यू स्ट्रक्चर इतना कोलैप्स हो चुका है, सातवीं आठवीं नवीं के लड़के वायलेंट हो रहे हैं, क्लासरूम में खून कर रहे हैं, मां बाप से डिटैच हो रहे हैं, जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अपने ही दोस्तों को हाथ में पकड़ के मां बाप से फिरौती मांगने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे अपने खुद के कंट्रोल में नहीं हैं, तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? अगर मैं ये कहूं कि पूरे कंट्री का अगर प्रायोरिटी लगाई जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल चैलेंज क्या है, तो सिस्टम को समझ के सिस्टम के अंदर से एजुकेशन को बदलना, प्राइमरी एजुकेशन को। हम बाहर अच्छी स्कूल निर्माण करके सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर घुस के सिस्टम के साथ काम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अरुण भाई, वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड आई एश्योर यू आने वाले 10 साल में मूल्यवर्धन इस देश का सभी स्टेट में चालू रहने वाला सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा। नॉट 99%। सुदीप जी, मैंने सुदीप जी को 4 साल पहले पुणे में बुलाया था, 5 साल पहले ऑफिस में बैठ के दिन भर उनके साथ बातचीत की मूल्यवर्धन के बारे में। He was holding a lot of departments in Tamil Nadu at that time as a principal secretary. मैंने कहा मुझे ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से समझाओ कि मैं इसको कैसे नर्चर करना चाह रहा हूं। काफी सारे उनकी बातें हमने लर्निंग के लिए हमारे जहन में उतार दी। हर चीज मुमकिन होती है जो हम कर सकते हैं, हम करके बता सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आते हैं, जब हमारे ऊपर बाकी सारे काम का बंधन होता है, सिस्टम हमारी नहीं, स्कूल्स हमारे नहीं, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं, टीचर्स हमारे कंट्रोल में नहीं, ना टीचर्स हमारे हैं, जो है वो टीचर्स का एक जनरल परसेप्शन डिफरेंट टाइप का है। गवर्नमेंट के टीचर्स का निगेटिविटी का परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन, which is wrong, but there is a perception कि गवर्नमेंट की जिला परिषद का टीचर काम नहीं करता है। गलत बात है। हम लोग उनसे ही काम करा के ले रहे हैं और वही इस देश को बदल सकते हैं। ये विश्वास के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। एक नामुमकिन काम को पिछले 15 साल से हाथ में पकड़ लिया है, उसको भी काफी सारा होमवर्क करके, परिश्रम करके, एक एक इस मूल्यवर्धन प्रोग्राम के लिए हमारे पास 500 लोग ऑफिस में सर्विस करते हैं फॉर वन प्रोग्राम। फॉर वन प्रोग्राम 500 लोग ऑफिस में सर्विस करते हैं। हाउ इट इज डिफिकल्ट। आपको गवर्नमेंट के करिकुलम के साथ जुड़ना है, लर्निंग आउटकम के साथ जुड़ना है, सिलेबस के साथ जुड़ना है, टीचर को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना है, फिर भी उसने सिखाना है, वैल्यू सिखाई नहीं जाती, वैल्यू इम्पोज नहीं की जाती। तो वैल्यू अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिविटी के माध्यम से अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, बच्चों के क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देना है,
उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए करके जोड़ी चर्चा, गट चर्चा, कोऑपरेटिव गेम, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप के पेडागोजी को अंदर लाना है। उनको खुद को डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के मोड में डालना है। उनको हर एक चीज को एनालाइज करने का मौका मिलना चाहिए। एनालाइज करते समय दूसरे का भी कोई विचार हो सकता है, हमारा भी अलग विचार हो सकता है। इस चीज को समझ के साथ में रहने की कला उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड से अवगत होनी चाहिए, तो ही आगे के सारे कॉम्प्लेक्स दूर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। इतनी ज्यादा डेप्थ में जाके पेडागोजी को चेंज करके टीचर का रोल फैसिलिटेटर का निकाल के अलग अलग लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट के एक्सपर्ट लोग, एकेडमिक लोग, ब्यूरोक्रेट्स, सबके रास्तों से, सबके दूरबीन से रास्ता निकाल के आगे बढ़ के इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट का प्रोग्राम करके उन्होंने एक्सेप्ट करना, इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट का सिक्का लगा के उनके सिलेबस का एक पार्ट बनाना, उनके ही टीचर्स को ट्रेनिंग देना, उनके ही टीचर को मास्टर ट्रेनर बनाना और वो उनके करिकुलम के पार्ट में सम्मिलित होना, उसके बाद में उनको फॉलोअप करना। कोई भी चीज में एक बार आदमी कोई भी चीज सक्सेस कर सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और खास करके प्राइमरी एजुकेशन में स्केल करना ये तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। इसलिए हमने दिल्ली से न्यूपा के लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, ये सब लोग इसके ऊपर, ये शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन में डायरेक्टर बोर्ड पर लिए हुए है, जो पूरे कंट्री का मैक्सिमम अच्छा एक्सपर्टीज इस चीज में हमने ला के रखा हुआ है। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पिछले 3 साल से इसको हमने जो आधार दिया है, इसका हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है, हम इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, ये कोई जाति धर्म की वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हाथ में लेकर के, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वैल्यूज दी हुई है, वो वैल्यूज को बच्चों को क्लास 1 से प्लेवे मेथड से, जॉयफुल मेथड से, भीतिमुक्त वातावरण में वैल्यूज इनकलकेट करने के मौके देना, इसके आधार पर इसका फ्रेमवर्क बनाया गया। इसलिए ये पूरा की पूरा फ्रेमवर्क महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लियर किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोग्राम करके प्रोजेक्ट किया। आपने अभी देखा, अभी फिलहाल 40,000 स्कूल में 22 लाख चिल्ड्रन हफ्ते में 3 दिन मूल्यवर्धन की एक्टिविटीज क्लासरूम में करते हैं। हफ्ते में 3 दिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी फिफ्थ शुरू हो रहा है। दिस इज नॉट ए जोक। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 3,000 टीचर्स को मास्टर ट्रेनर बनाया है। महाराष्ट्र के करीबन करीबन 1.25 लाख टीचर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। एक भी टीचर ने, एक भी जाति धर्म के टीचर ने, एक भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के टीचर ने इस प्रोग्राम के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। इतनी टीचर्स एसोसिएशन हमारे पास आती है कि ये प्रोग्राम पहले हमारे पास लेके आओ। 1 लाख टीचर इसको अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि ये मेरा पैट सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट टीचर को पहली बार समझने लगा कि ये इतना अच्छा मौका उनके हाथ में मिला है बच्चों को सही ढंग से शिक्षा देने का। हम उनको दोष देते थे, अरे हमारा दोष था, हमने उनके सामने कभी वो अच्छी चीज पोरसी ही नहीं। आज वो उनके पास है। 1 महीना पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट के सीईओ और एजुकेशन ऑफिसर्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो 20 मिनट का समय था, 1 घंटा और 20 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। रात को 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने मुझे SMS दिया कि दिस इज फिनोमिनन, फैंटास्टिक रिजल्ट्स।
15 दिन पहले मुझे लेटर आया कि अभी महाराष्ट्र की दिस ईयर 67,000 स्कूल्स में चीफ मिनिस्टर मूल्यवर्धन रोल करना चाहते हैं। 67,000 स्कूल्स है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की। और दूसरा उन्होंने लेटर में क्लॉज लिखा है कि हम महाराष्ट्र की सभी प्राइवेट स्कूल में मूल्यवर्धन कंपलसरी करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की एडेड स्कूल है। बदलाव इस तरह से होते हैं, बुनियादी फंडामेंटल ग्रासरूट से, पहली से इंक्लूजिव, नो क्रिटिसिज्म, पूरे देश की घटना को सामने लेके, चाहे वो कोई जात हो, धर्म हो, पात हो, पंथ हो, पक्ष हो, कलर हो, कोई संबंध नहीं। गोवा के सभी गवर्नमेंट स्कूल में मूल्यवर्धन शुरू है। गोवा के सभी प्राइवेट स्कूल में मूल्यवर्धन 2 साल से शुरू है। गोवा में विद्या भारती की स्कूल से जो आरएसएस चलाती है वो सभी स्कूल में मूल्यवर्धन शुरू है। गोवा में दूसरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की काफ़ी सारी स्कूल्स है जिसका फेडरेशन है, उसमें भी मूल्यवर्धन काफ़ी सक्सेसफुल्ली शुरू है। एक स्टेट में 2 अलग अलग विचारधारा के लोग मूल्यवर्धन को लेके कंधों पर आगे बढ़ रहे हैं, इससे दूसरा अच्छा कौन सा पार्ट इस कंट्री में होना चाहिए। कल वल्लभ भाई बता रहे थे कि कितना क्रिश्चियन कम्युनिटी ने स्कूल्स का अच्छा काम करके रखा, करके हमारे सब लोगों को कम से कम सीखने को मिला, लेकिन हमारी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस रहने के बावजूद भी हम वो इम्पैक्ट नहीं ला सके। उनके सपने को साकार करने के लिए अभी इम्पैक्ट लाने का मौका आ रहा है। हम ये बहाने, ये माध्यम से हम निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट लाएंगे। मैं जब 2 महीने पहले दिल्ली गया था, हमारे केसी जैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, सुदीप जी भी वहाँ मौजूद थे वो दिल्ली के मीटिंग में। और अरुण जी, मैं कहना चाहूँगा जो उन्होंने फैंटास्टिक क्वेश्चंस मुझे पूछे, आज तक इतना इस प्रोग्राम का शोकेसिंग मैंने सब तरफ किया, जिस डेप्थ में उन्होंने इस कार्यक्रम को समझ लिया, मैं सैल्यूट करता हूँ सर, ऐसा डेप्थ में किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं समझा। तो मैं ये चाहता हूँ, मूल्यवर्धन अभी मराठी मीडियम में शुरू है, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी गोवा में सभी क्रिश्चियन स्कूल में शुरू है, हमने इसको उर्दू मीडियम में बनाया है। मुझे आपको ये कहने में काफ़ी खुशी हो रही है कि जितना मराठी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का रिस्पॉन्स है, उससे 10 गुना ज़्यादा उर्दू मीडियम का मूल्यवर्धन के लिए रिस्पॉन्स है। 10 गुना ज़्यादा, दुगुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा। महाराष्ट्र में मोर देन 500 स्कूल्स कर्नाटका के बॉर्डर में हैं, और जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि महाराष्ट्र की सभी स्कूल में मूल्यवर्धन जाना चाहिए, तो महाराष्ट्र की कुछ स्कूल्स कर्नाटका के बॉर्डर पे हैं, कुछ स्कूल्स आंध्र के बॉर्डर में हैं, और कुछ स्कूल्स गुजरात के बॉर्डर में हैं। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंपल्सरी हमको ये 3 लैंग्वेजेस में मूल्यवर्धन को डिजाइन करने के लिए बोला है। हम अभी जल्द ही गुजराती और कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज में मूल्यवर्धन को कन्वर्ट कर रहे हैं। कल जब हमारे आदरणीय नाडगौड़ा मिनिस्टर साहब बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे यह सब समझ के लिया और उन्होंने मुझे कहा, जैसे ही मेरा अधिवेशन खत्म होगा शांतिलाल जी, मैं आपको एक दिन के लिए यहाँ बुलाना चाहता हूँ, और हमारे कनाडा के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, कमिश्नर, डायरेक्टर सबके सामने आपका 3 घंटे का प्रेजेंटेशन हम लोग मूल्यवर्धन का रखना चाहेंगे, और हमको कर्नाटका में भी मूल्यवर्धन आना चाहिए। ये खुद माननीय मंत्री महोजी ने कल बताया। इस तरीके से हम मूल्यवर्धन को धीरे धीरे स्केल करना चाहते हैं। लास्ट बात कहना चाहता हूँ, अभी फिल्म में आपको हमारे ही बीजेएस के चेन्नई के नेशनल कन्वेंशन में प्रकाश जावड़ेकर जी का एक भाषण का क्षण आपको सुनाया। उन्होंने ये कहा कि हम मूल्यवर्धन को प्रॉपरली असेस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हम उसको स्केल करने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने लास्ट सेंटेंस कहा फिल्म में। आज उसको 2 साल हो गए।
केंद्र सरकार ने वैल्यू एजुकेशन का नया फ्रेमवर्क बनाने का डिसीजन लिया, मुझे बुलाया गया, करीबन इंडिया की 100 एनजीओ का इनपुट लिया गया। कम से कम पिछले एक साल में 11-12 मीटिंग हमारे मूल्यवर्धन के, हमारे सीईओ यहाँ बैठे वेंकट रामन, और हमारे ऑफिस के स्टाफ की, टेक्निकल लोगों की, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हुई, और अल्टीमेटली एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके ये मोदी गवर्नमेंट आने वाले 15 दिन में, महीने भर में, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले इस देश का एक वैल्यू एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क रिलीज करने वाले हैं, जो पूरा की पूरा फ्रेमवर्क मूल्यवर्धन पर आधारित है। मूल्यवर्धन का ही फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, एक महीना पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में इस स्कूल एजुकेशन का काम देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरुण बजाज नाम के ऑफिसर के ऊपर है। मेरी मीटिंग आदरणीय तरुण बजाज जी से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 15 दिन पहले हुई। उस मीटिंग में आदरणीय तरुण बजाज जी ने यह कहा कि ये प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है, आप इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के साथ इसका एक प्रेजेंटेशन लगा दीजिए, मैं वहां खुद आना चाहूंगा और पूरा इसको देखना चाहूंगा। मैंने परसों वेंकट रामन जी से कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी को एक ईमेल दीजिए और प्रेजेंटेशन के लिए टाइम मांगिए। उन्होंने टाइम मांगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ HRD बड़ा डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक घंटे के अंदर टाइम देके रिप्लाई दिया और आने वाले मंगलवार को हमारा प्रेजेंटेशन दिल्ली में रखा है। विद इन वन आवर। मैं कहना यह चाहता हूं कि हम लोग जो भी काम हाथ में लेते हैं, जी जान से, पूरी ताकत लगा के, प्रोफेशनलिज्म से, वॉलंटरी लेवल से, गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेट से, हर चीज से, सब पूरा समर्पित करके, झोंक करके उस चीज में से रिजल्ट लाने की बात करते हैं। अगर इस तरह के बुनियादी काम करने का मौका हम सब लोगों को मिलता है तो ये 50 साल की मेहनत करनी पड़ती है तब नेक्स्ट जनरेशन का काम होता है। ये कोई जादू की कांडी नहीं है कि हम 2 साल में 5 साल में करके बताएंगे और चेंजेस होंगे। ऐसा कभी नहीं चेंजेस हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, वो काफ़ी सारी अपने कंट्री के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से मजबूरियां होती है। हम सब चीज़ों को जानकर, समझकर, सोचकर पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये चीज हम 100% लॉजिकल एंड तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, और आप सबके आशीर्वाद से हम आने वाले 10 साल में इसको पूरे कंट्री में स्केल करने का प्लान बनाएंगे। इतना कहते हुए मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसको मैं खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सुदीप जी जैन, जो एक IAS ऑफिसर के एंगल से, ब्यूरोक्रेसी के एंगल से इन्होंने काफी अच्छी सहयोग BJS को काफी सालों से दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका जो पर्सनल इसके ऊपर का विचार होगा, थॉट प्रोसेस होगा, कुछ गाइडलाइन होगी, कुछ उनका सोच विचार होगी, तो ये विषय में आदरणीय सुदीप जी जैन हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मैं सुदीप जी को रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू शांतिलाल जी। मैं मूल्यवर्धन के बारे में बोलूं उससे पहले एक दो चीज ये डिस्कस करना चाहूंगा। NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में लाखों की संख्या में हैं। 90% NGOs अपने दायरे में जहाँ काम करती हैं, काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, पर उनका हमेशा एक ये व्यू पॉइंट रहता है कि देखिए हम इतना अच्छा ये कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, पर सरकार कभी भी उसको ढंग से वही काम अच्छे से नहीं करती है, नहीं कर पाती है, इतनी इनएफिशिएंसीज हैं सिस्टम में, और ये एक बैटल की तरह सिर्फ रहता है कि देखिए गवर्नमेंट में आप लोग नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, नहीं आप में क्षमता है, हम आपको करके दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं करते हैं। सिर्फ 10% NGOs होती हैं
जो सरकार के साथ काम करने की कोशिश करती हैं कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ के उसको कैसे स्केल अप कर सकें। जो फर्स्ट 90% कैटेगरी में बोल रहा हूँ, मैं जितनी बार भी फील्ड में जहाँ भी उनसे इंट्रैक्शन हुआ जाके देखा, काम बहुत अच्छा हो रहा है, सराहना करी, तो उनसे मेरा एक ही पॉइंट होता था कि आप बोल रहे हैं कि नहीं आपने ये एक विलेज में इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम है। अब उनका क्वेश्चन होता कि नहीं ये देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं आप कर सकते उसको, ये पूरे स्टेट में क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे से उनसे एक सिंपल आंसर होता था कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को हम अगर एक विलेज में बैठा दें, वो डेफिनेटली उतना ही अच्छा काम हो सकता है, उससे भी अच्छा काम करके दिखा देगा। उसका चैलेंज ये होता है कि अगर उसके अंदर में 1000 villages हैं, तो अब वो 1000 villages को कैसे ट्रांसफॉर्म करके दिखाए, या 1000 schools को कैसे ट्रांसफॉर्म करके दिखाए। कोई भी ऑफिसर, मैं एग्जाम्पल नाम के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल रहा हूँ, बट कोई भी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम में जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, काम कर रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट काम है कि आप स्केल अप कैसे करें। आप एक चीज को बहुत अच्छे से मॉडल बना सकते हैं, बहुत अच्छा उसको रिजल्ट दिखा सकते हैं। नाउ व्हेन द चैलेंज कम्स दैट यू हैव टू डू इट इन 1000 places, 10,000 places, हमारे देश के 6-7 लाख विलेजेस की जब बात आती है, तो उसको कैसे स्केल अप करके दिखाएं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लर्न किया, जो आप लोगों का काम देखा बीजेएस का, कि बिना किसी को क्रिटिसाइज करे हुए, बिना गवर्नमेंट को कभी भी क्रिटिसाइज करे हुए, सिस्टम कैसे चलता है, उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, वो सब अंडरस्टैंड करके। बिकॉज हम अगर लिमिटेशंस नहीं सीखना चाहेंगे, उसको नहीं समझना चाहेंगे, एंड फिर बोलेंगे कि अब हम गवर्नमेंट से पार्टनरशिप करके इसको स्केल अप करके दिखाएंगे, तो वो स्केल अप में हमारे को सेम चैलेंजेस आएंगे जो गवर्नमेंट को आते हैं, एंड कोई भी एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो जब जिस तरह आपने इन डेप्थ उसको इतने सालों से आप सारे जितने भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये काम गवर्नमेंट में नहीं कर पाते, जो एक एग्जांपल आपने दिया कि एक परसेप्शन, जनरल परसेप्शन कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल टीचर्स हैं 90%, 95%, 99% दे आर नॉट एट ऑल गुड, एक परसेप्शन यही है कि वो लोग ढंग से पढ़ाना नहीं चाहते, वो सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना काम नहीं करते। परसेप्शन वैलिड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर मूल्यवर्धन में बीजेएस ने जहां भी 40,000 schools में अगर महाराष्ट्र में काम किया और उन्हीं टीचर्स के थ्रू अगर डिलीवर करके दिखाया, सो वो क्लियरली प्रूव करता है कि अल्टीमेटली सोसाइटी में जो इनएफिशिएंसीज हैं, गवर्नमेंट में जो इनएफिशिएंसीज हैं, वो सोसाइटी का पार्ट है। हम अगर ये बोलते हैं कि यहां पर इनएफिशिएंट लोग हैं तो गवर्नमेंट बनी कहां से, हम सब ने चुना चुनाव में, उसके बाद जितने ऑफिशियल्स हैं वो सोसाइटी में से ही सिलेक्ट होके कहीं से आए। सो उसके बाद उनकी क्या कठिनाई है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम अगर एक भी कोई प्रोग्राम ले लें जैसे मूल्यवर्धन, अगर एक मिशन उठा लें और उसमें फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करके कि कैसे हम उन लोगों की क्या चैलेंजेस हैं, वो क्यों डिलीवर नहीं कर पाते, हम उसमें उनको कैसे सक्षम बना सकते हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और वो डिलीवरी करके दिखाएंगे या नहीं। मैं शायद लास्ट टाइम दिल्ली में भी शायद ये डिस्कस किया होगा, बट क्योंकि आपका ये जब एग्जांपल आता है तो मेरे को सडनली ध्यान आता है, जब बोलते हैं कि स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मैं 2 साल की सर्विस के बाद तिरुनेलवेली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर नियुक्त हुआ था, और 1-2 महीने बाद मैंने अपने ऑफिसर से सबसे बोला कि म्युनिसिपलिटी के लिए सब ऑफिसर्स, सब ऑफिशियल्स के लिए अपन एक यूनिफॉर्म कर लेते हैं, एक कलर की शर्ट पहनेंगे,
कॉरपोरेशन की तरफ से सप्लाई करके सब एक ही कलर में रहेंगे, जिससे कि एक यूनिक आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। बहुत रेजिस्टेंस हुआ उसका, मेरे सारे ऑफिसर्स ने बहुत रेजिस्ट किया, टीम ने सब ने रेजिस्ट किया। तो मैंने पूछा, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रेजिस्टेंस है, हम तो बोल रहे हैं फ्री में हम आपको यूनिफॉर्म देंगे, हम ये भी नहीं इंसिस्ट कर रहे कि आप जाके खरीद के लेके आओ अपने पैसे से, तो फिर क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है। तो फिर मेरे एक ऑफिसर ने जो थोड़ी हिम्मत करके मेरे को बोला कि सर अगर हम आइडेंटिफाई हो गए सिटी में कि ये म्यूनिसिपल स्टाफ है तो लोग पकड़ के पिटाई कर देंगे हमारी। सो इट वॉज अ बिग लर्निंग, इट वॉज अ ह्यूज लर्निंग कि देखिए जो 25 साल 30 साल 35 साल जिस ऑफिस में जिस म्यूनिसिपैलिटी में जिस सिटी में काम कर रहे हैं उनको ये बताने में डर लगता है, शर्म आती है कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इस सिटी कॉरपोरेशन का पार्ट हैं। सो आई इमीडिएटली टुक दैट एज अ चैलेंज, आई टोल्ड देम नाउ लेट मी सी, वी विल डेफिनेटली गो अहेड विद द यूनिफॉर्म एंड लेट मी सी हु बीट्स यू अप, कि आपकी कौन पिटाई करता है, ये मेरा चैलेंज है, मेरे को ये बीड़ा उठाने दीजिए, मैं देखता हूं ये कैसे होगा। मैंने कहा अगर आप ये परसेप्शन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, मैंने कहा अगर मैं ये परसेप्शन सिटी में सिटी के सिटीजन्स का ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया कि ये जितनी टीम है कॉरपोरेशन की ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है, तो वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लोग अगर आपको अपना फ्रेंड नहीं समझने लगे, सो इट्स माय चैलेंज, आई सेड लेट मी डू इट, वी वेंट अहेड कैरीड इट आउट, बहुत सारे उसमें इंप्रूवमेंट्स बहुत रिजल्ट्स अचीव किए। बट ये मैं एक सिर्फ ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी सिस्टम में हम अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, इंडिविजुअल एनजीओ अकेले हम कितना भी बड़ा अपना काम कर लें लेकिन हम देश को नहीं बदल पाएंगे। अगर हमें देश में बदलाव लाना है तो वो स्केल सिर्फ गवर्नमेंट ही अचीव करके दे सकती है, वो स्केल गवर्नमेंट के साथ जुड़ के अगर कोई भी एनजीओ काम कर पाएगी तो वो इंप्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं। मैं एक दूसरा पॉइंट जो हमेशा मेरे को याद रहता है, पहली बार जब मैं शांतिलाल जी से मिला और समझने की कोशिश करी कि ये क्यों इन्होंने स्टार्ट किया, क्या रीजन है, इनके एजुकेशन सेक्टर में इतने फिलोंथ्रोपिस्ट अपने सोसाइटी में ही इतने लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टार्ट किए हुए हैं, तो मैंने कहा आपने वो क्यों नहीं स्टार्ट किया, स्कूल क्यों नहीं स्टार्ट किया। एंड उस समय ये एक इंसाइट जो इतना इनडेप्थ इंसाइट समझ में आया, जो शांतिलाल जी बोले कि मैंने सोचा था स्कूल स्टार्ट करने का, मेरे को भी सब ने एडवाइस किया था जब मैंने पहली बार ये काम करना शुरू सोचा, बट मेरे को तब ये रियलाइज हुआ कि मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट 12 साल बाद तो बाहर आएगा अगर मैंने स्कूल स्टार्ट किया, और उसमें भी कितने बच्चे मैं ट्रेन कर पाऊंगा, जिनको अच्छा नागरिक बना पाऊंगा, तो उससे मैं सिस्टम को देश को क्या बदल पाऊंगा। एंड देन ही सेड कि नहीं, तभी मैंने डिसाइड किया कि स्कूल मैं अपना नहीं स्टार्ट करके, बट मेरे को तो सारे स्कूल्स को चेंज करना है, उसके लिए क्या करूं, एंड मूल्यवर्धन इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच हैव जर्मिनेटेड। सो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, सब लोग अगर आप इससे जुड़ रहे हैं, इसमें सहयोग कर पाएंगे, छोटे छोटे लेवल पे भी हम अगर इसको आगे ले जा सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, वैल्यू सिस्टम को टीच करना, हम सब ने स्कूल में मॉरल साइंस की क्लासेस अटेंड करी हुई हैं, मेरे को अगर याद है कि मॉरल साइंस की क्लास हमारे प्रायोरिटी में लिस्ट होती थी कि इसमें हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें मैथ्स पढ़ाए, हमें साइंस पढ़ाए, हमें हिस्ट्री पढ़ाए, जो भी सब्जेक्ट हमें पसंद हो, बट मॉरल साइंस की क्लास हमें टाइम वेस्ट ही लगती थी बिल्कुल जब बचपन में स्कूल में जाते थे। उसका एक मेन रीजन अब समझ में आया जब इस प्रोग्राम को देखा, जब शांतिलाल जी की फिलॉसफी को समझा कि वैल्यू एजुकेशन प्रीच नहीं कर सकते, एडल्ट टू चाइल्ड प्रीचिंग नहीं हो सकती इसकी, इसको खेल के माध्यम से
कोई और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उन सब फॉर्मेट में बच्चों को अपने आप वो निकाल के लाएं, वो निचोड़ निकालें कि किस चीज में क्या सही है क्या गलत है। और हर बच्चे को पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर उस माध्यम से हम ये मूल्यवर्धन में अगर आगे ले जा पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसका जो बच्चों में अट्रैक्शन रहेगा, इट शुड नॉट बी द वे एज आई वॉज टेलिंग अबाउट मॉरल साइंस क्लास, कि मैं जब मॉरल साइंस क्लास में लगता था कि नहीं ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डिमांड शुड कम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दे शुड कम एंड डिमांड कि भाई इस वीक में हमारे ये एक क्लास क्यों मिस हो गई, ये इतना अच्छी क्लास थी, इसमें हम इतना एंजॉय करते हैं। उनको वैल्यू इनकलकेट तो अपने आप होते जाएंगे, जो आपने इतना स्ट्रक्चर किया है, अगर इतनी बड़ी टीम इतने सालों से जो रिसर्च करके बना रही है तो डेफिनेटली उसमें उसका निचोड़ आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन बच्चों को इसमें अट्रैक्शन है यानी स्टूडेंट्स आर दे गेटिंग अट्रैक्टेड मोटिवेटेड इन डिमांडिंग दीज क्लासेज, इफ वी आर एबल टू अचीव दैट देन इट विल बी अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोग्राम फॉर एवर इन द फ्यूचर। सो आई वुड विश द प्रोग्राम ऑल सक्सेस एंड एज आई हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड मुथा साहब, मेरे को आप काम नहीं देते हैं लेकिन मैं इसमें और कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं, कैसे जुड़ के इसको कैसे स्केल अप और सस्टेनेबल बनवा सकूं, उसमें जो भी आप निर्देश देंगे जो भी काम देंगे उसके लिए मैं हमेशा राजी हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सुदीप जी, थैंक यू। देखिए पूरे देश का होने वाला इलेक्शन की कितने बिजी इलेक्शन कमीशन दिल्ली में होगा, इसके बावजूद आप वहां से यहां इस प्रोग्राम के लिए पधारे हैं, इससे ही हमको समझ में आता है कि आप इस सब एक्टिविटीयों में कितनी रुचि रखते हैं। अदरवाइज इन दिनों में दिल्ली से बाहर निकलना आपके लिए कितना मुश्किल है वो हम सब लोग समझते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सुदीप जी। मैं आदरणीय केसी जैन साहब के साथ जो मेरी लास्ट दो महीने पहले जो इंट्रैक्शन हुई वो काफ़ी अच्छी थी। मैं कहूँगा कि उनका कुछ मूल्यवर्धन के संदर्भ में जो एक्सपीरियंस है वो एक थोड़ी सी टाइम में हमको मूल्यवर्धन के संदर्भ का एक्सपीरियंस हमको बताए ताकि हम फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आगे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं भाई सुदीप विल एग्री विद मी कि मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि मुथा जी को अब तक नोबेल प्राइज मिला क्यों नहीं। सैंतीस साल तो सरकार में मैंने गुजार लिए, 25 के करीब भाई सुदीप को हो गए, 62 साल का एक्सपीरियंस हम दोनों का मिलाकर के है। हम लोगों को अब तक वो घुंडी समझ में नहीं आई कि सरकारी बाबू से काम करवाया कैसे जाता है। और ये पीएमओ में आपने जो अपॉइंटमेंट लिया कि तरुण बजाज से मिले, शिक्षा के ऊपर प्रेजेंटेशन करना है, एक घंटे में एचआरडी सेक्रेटरी से आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आपने वहां बताया होता ना कि सरकारी बाबू से काम लेने की कला आपको मालूम है, मोदी जी ने आपको तुरंत बुला लिया होता तो दूसरे आपको जरूरत नहीं होती। कुछ कुछ मूल्यपरक शिक्षा मूल्यवर्धन शिक्षा के साथ जुड़ने का मुझे भी अवसर मिला। मेरी पोती दिल्ली में एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है, 6 साल की है। उसने एक साल पहले की घटना है, जब वो 5 साल की थी उसने बताया कि उसकी क्लास के अंदर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का गला ऐसे पकड़ लिया कि अगर उसी वक्त टीचर ने देख नहीं लिया होता तो दुर्घटना घट गई होती। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरी एक साथी फिलीपींस में 5 साल सर्विस कर वापिस आई थी और मुझे बताने लगी कि फिलीपींस के अंदर कोई मेड अगर नौकरी छोड़ करके जाती है या सड़क पर किसी गाड़ी से हमारी गाड़ी भिड़ जाती है तो मेड को हम डांटते नहीं और सड़क पे किसी गाड़ी के साथ हम लड़ाई नहीं करते, क्योंकि न जाने कौन आदमी किस वक्त पिस्तौल निकाल करके आपको जान से मार देगा। वो घर की मेड सर्वेंट और सड़क के ऊपर चलने वाले किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति में इस मामले में कोई अंतर नहीं है। ये बात 94 की है और उसकी इस बात को सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ था कि क्या फिलीपींस जैसे पढ़े लिखे देश के अंदर भी इस तरह की समस्याएं हैं।
दुख की बात है कि इन घटनाओं को देख करके आज हमारे देश में आश्चर्य नहीं होता। उसका मूल कारण है कि आज की पूरी शिक्षा पद्धति केवल इस बात के ऊपर आधारित है कि आवेग और आवेश को किस प्रकार से जागृत किया जाए, बढ़ाया जाए। अपने चारों तरफ का वातावरण जब हम देखते हैं, जितनी हमारी शिक्षा हो रही है, जो हमारे सामने विज्ञापन हो रहा है, जो हमारे सामने परोसा जा रहा है, जिस रूप में परोसा जा रहा है, उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे आवेगों और आवेशों को बढ़ाया जाए। एक भी पद्धति, एक भी उपक्रम, एक भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि उसको संयमित कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। जब पूरे राष्ट्र के सामने, पूरी मानवता के सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई है कि एक भी उससे अछूता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपने जो निर्णय लिया कि मुझे स्कूल नहीं खोलना, जो स्कूल में हो रहा है उसे बदलना है, वहां परिवर्तन लाना है, यह वास्तव में ही एक नम्य काम आपने किया है। आपको वीर प्रभु इतनी ऊर्जा दें। और जेंट्स फॉर इंडिया करके आपने जो एक स्लोगन साथ में रख करके इस लक्ष्य को साथ में लेकर के चले हैं, महावीर तो जैन थे नहीं, आपने भी ऐसी किसी परंपरा से आप नहीं बंधे हैं, आप केवल मूल्यों से बंधे हैं, तो उन मूल्यों को साथ में लेकर के जिस निष्ठा के साथ और जिस श्रम के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जानी, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, इसके आप प्रमाण हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।